विश्व धरोहर फूलों की घाटी सोमवार को शीतकाल के लिए पर्यटकों के लिए बंद हो कर दी गई है। कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस समय रिकॉर्ड टूर पर्यटक पहुंचे। अब तक 20,827 देशी विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार कर चुके हैं। आपको बता दें कि समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में फूलों की घाटी फैली हुई है। 6 सितंबर 1982 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, जबकि 2005 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी कहा था। बीते 1 जून से फूलों की घाटी खुलने के बाद पर्यटकों का आना लगातार जारी था। इस वर्ष घाटी में सबसे अधिक पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड है, जबकि 280 विदेशी पर्यटक हैं। वहीं वन विभाग को अब तक 31 लाख की आय हो चुकी है। इतना ही नहीं, व्यवसाय को लेकर मुख्य पड़ाव घोघरिया और गोविंद घाट में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे व्यवसायियों के चेहरे भी खिल गए हैं। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। जो हमारे आंकड़े हैं इस बार, जो रिकॉर्ड तोड़ यात्री वैली ऑफ फ्लावर गए हैं, बेसिकली हेमकुंड के अलावा जो गए हैं, करीब 20,800 के आसपास टूरिस्ट गए हैं वैली की दीदार करने, जिसमें कि 280 विदेशी नागरिक भी हैं और 32 लाख के अराउंड जो है सरकार को आय भी अर्जित हुई है। ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। विगत वर्षों की अपेक्षा में इस वर्ष जो है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वैली ऑफ फ्लावर गए हैं।